अगले कुछ ही पलों में सीएम साहब साढ़े दरम्यान इस पूरे विंग की नुमाइंदा कर रहे हैं। मान जी का स्वागत किया जाए। मैं हुण बेनती करांगा मान योग सैर सपाटा सभ्याचार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ते लेबर ते होस्पिटैलिटी मिनिस्टर मैडम अनमोल गगन मान जी नूं कि वह मुख्यमंत्री जी का जी आया कह। मैडम अनमोल गगन मान जी वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। माननीय मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत मान जी, माननीय सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर जी, एमएलए साहब कुलजीत रंधावा जी, एमएलए साहब चरणजीत चन्नी जी, तो सारे का ही बहुत सारा सत्कार प्यार इतने पहुँचने लई, तो खरड़ दे वासी सारे शहर वासियों नूं लंबे समय की जिहड़ी मंग सी मुख्यमंत्री साहब पिछले दिनी खरड़ ते कुराली हस्पताल का दौरा करके गए सी, ते विश्वास दवाया सी कि जल्दी जिहड़े ये हस्पताल घट्टो घट 30-35 साल की मंग सी वी इहनूं थोड़ी देर शांति बना के आराम दे नाल बिल्कुल जिहड़ी ये इहनूं अपग्रेड किया जाए। सो तकरीबन 8 करोड़ की लागत के नाल शहर वासियों लई
जेड़े हस्पताल दुबारा तैयार हो गया है ते तुहाडे लई बहुत मुबारक खरड़ वासियां लई। तुसी अपने हत्थां नाल आम आदमी पार्टी दी सरदार भगवंत सिंह मान जी दी सरकार चुनी ते तुहानू माण महसूस होना है कि सरकार अपना काम है जेड़ा इहदे नाल नाल जेड़ा कुराली दा हस्पताल है उहदा वी जेड़ा जल्दी उद्घाटन किया जाऊगा ते ओह वी उहदी बिल्डिंग भी नवी तैयार हो चुकी है। सो मैं सीएम साहब का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने कीमती समा कढ के अज पहुंचे ने। पहला दौरा भी करके गए सी यही पहचान हुंदी है मेरे ख्याल च। तुसी पुरानियां सरकारां च देखे होना भी कदे किन्ने क लोग इत्थे आउंदे जांदे रहे आ। बिल्डिंग नूं जाले लगे हुए ने, छत्तां ते घा उगे हुए सी ते लोकां दी जरूरत नूं वेखदे हुए मुख्यमंत्री साहब ने हल्के दे लोकां दी जिहड़ी आवाज़ सुनी ते पूरे पंजाब दे विच जिहड़े हस्पतालां दी स्थिति है जिहड़ी ओह बहुत वधिया बनाई जा रही है। मैं डॉक्टर बलवीर जी का भी सेहत मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने ये उपराला बड़ी जल्दी नाल उन्हां चीज़ां नूं ग्राउंड लैवल उत्ते लैके आए। सो सारिआं दा मैं बहुत धन्यवादी हाँ ते मेरे खरड़ वासियां नूं, बजुर्गां नूं, मावां नूं, भैणां नूं, नौजवान भरावां नूं बहुत सारिया मुबारकां जी। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हुण मैं बेनती करांगा पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी नूं कि वह मंच ते आण ते अपने विचार साडे नाल सांझे करन। डॉक्टर बलबीर सिंह साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पंजाब दे लोकां दी दिलां दी धड़कन साढ़े माननयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, मेरे सहयोगी अनमोल गगन मान जी, साढ़े MLA डॉक्टर चरणजीत सिंह, रंधावा साहब डेराबसी, प्रभजोत जी जिला योजना बोर्ड के चेयरपर्सन, साढ़े प्रिंसीपल सैकटरी विवेक प्रताप जी और साडे मेरे सेहत महकमे के सारे जिन्ने स्टाफ है प्रदीप जी और साडे डायरेक्टर सर्विसेज डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर और जिले के सारे जिन्ने भी साडे अफसर साहबान है मीडिया के जिन्ने साडे भरा इत्थे पहुंचे आ और सब तो ज़्यादा जिहड़े साडे खरड़ दे पतवंते सारे इत्थे पहुंचे आ मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा और मुख्यमंत्री साहब का मैं उचेचे तौर पर धन्नवाद करदा कि किसी भी इंसान वास्ते जदों जिहड़ियां जच्चा बच्चा सर्विसेज है बहुत इंपोर्टेंट होंदियां। दो इवेंट्स बहुत इंपोर्टेंट होंदियां बंदे की जिंदगी जी तीन कहूँगा। एक जदों वो इस जहान विच आंदा है उस वेले जे उस माँ नूं उस बच्चे नूं सुविधा मिले तो पहला जिहड़ा सीगा वो जिहनूं असीं मटरनल मोर्टैलिटी रेट कहिंदे आ कि औरतों की मौत हो जाती सी बच्चों का सर्वाइवल रेट घट सीगा ते जे इह इक अति आधुनिक जिहड़ा सर तुसीं हस्पताल बनाया इहदे नाल इह सारे खरड तां है ही है इत्थे आस पास के बहुत सारे 300-400-500 पिंडां नूं इह सुविधा मिलेगी। उन्होंने भीड़ भड़के वाले हस्पताल च नहीं जाना पड़ेगा। कई बार पेशेंट PGI या चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं उन्होंने वापस आना पैंदा। ये जिहड़ी बुनियादी सहूलत है ये तुसीं सारे उन्होंने दिती है। तो दूजा जदों कोई बंदा बीमार हुंदा उस वेले उहदे वास्ते बहुत जरूरी हुंदा ते ये जिहड़ा हस्पताल है ये सारियां जिहड़ी कंप्रीहेंसिव हैल्थ केयर है वह भी सेवावां दे रहा और जिहड़े मेरे स्टाफ है सर असीं लगातार तुहाडे दिशा निर्देशों मुताबक जिला प्रशासन भी असी भी कोशिश कर रहे हैं भी जिहड़ा भी पेशेंट हस्पताल में आए एक नवा उपराला असी ये कर रहे हैं सर थोड़े दिशा निर्देशों मुताबक जो लोक प्रति जो थोड़ी राजनीति है वो हिसाब न कि हर एक हस्पताल दे विच एक पेशेंट दे वास्ते सेंटर बनेगा फैसिलिटेशन सेंटर होएगा। जदों मरीज पहली बार हस्पताल आता उन्होंने पता नहीं होंगे कि मैं किहड़े डॉक्टर को जाना मैं टैसट कितों कराना मैं पर्ची कितों बनानी है। सो असी पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर जिथे पेशेंट आएगा उन्होंने रिसीव किया जाएगा साडे नर्सिंग स्टूडेंट्स होर जिहड़े साडे इंपलाईज आ उन्होंने रिसीव करनगे उत्थे पीण वाला पानी होएगा बाकी सारिया जिहड़ियां हैगियां जनतक सुविधावां होणगियां वाशरूम्स होणगे ते उन्होंने रिसीव करके पेशेंट उहदी पर्ची बना के जे उहदा कोई कार्ड बनना है आयुष्मान का कार्ड बनना OPD की पर्ची बनानी है। सो साडा जिहड़ा स्टाफ है उन्होंने डॉक्टर के कमरे तक लैके जाएगा और किसी भी हस्पताल नूं मैं साडे स्टाफ नूं भी बेनती करदा और ये मान साहब का फैसला है भी जिहड़ा साडे सरकारी हस्पताल च बंदा आ गया उन्हों कोई दवाई लैण बाहरों नहीं भेजना सारिया दवाइया असी खरीद लिया हुई हैं जे कि कमी पेशी हैगी है तो वह कम्युनीकेशन गैप करके हो सकती है। थोड़े तो गडाउन भी जो थोड़ा वेयर हाउस भी बहुत नेड़े है वो दवाइया सारिया मंगाओ किसी मरीज़ को दवाई लैण बहरों नहीं भेजना किसी का टैसट बहरों नहीं कराना और डॉक्टर सारे होणगे
जे डॉक्टर ने छुट्टी ते भी जाना असीं कोई ना कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करांगे जां मरीजां नूं दस्या जाएगा कि यह डॉक्टर अज इस करके छुट्टी ते आए कल जां परसों तुहानूं मिलणगे। वो सारी सूचना साडा जिहड़ा फैसिलिटेशन सेंटर है और जिहड़े मेरे भरा बैठे आ तुहानूं भी बेनती है तुहानूं कोई जे दिक्कत होवे तो सानूं फीडबैक दिओगे। मरीज आएगा अपना इलाज कराएगा वापस जाण लगे जदों डॉक्टर तो वापस जाएगा वह कहेगा मेरे टैसट हो गए मैनूं डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया मैनूं दवाई भी मिल गई सारी इत्थों और फिर अपना एक जाके साडे फैसिलिटेशन सेंटर ते नोट करा के जाएगा उहदे नाल मेरे को लगातार फीडबैक आएगी। सो तुसीं भी इहदे विच साडा सहयोग देना सानूं पहला भी तुसीं साडा सहयोग दिता वोटां च भी दिता दब के दिता ते हुण उस भावना दे नाल असीं सारे जिहड़े असीं मान साहब दी टीम दे मैंबर हैं असीं भी उस भावना दे नाल थोड़ी सेवा च लगे उहनां दे दिशा निर्देशां दे विच। मैं एक बार फिर मान साहब का अपने बहुत ज़्यादा बिजी शड्यूल है मैंने पता मैं इस करके टाइम नहीं ज़्यादा लेना वो बिजी शड्यूल चो थोड़े विच टाइम कट के पहुँचे मैं उन्हों का धन्यवाद करदा और आने वाले दिनों दे विच असी बहुत जल्दी बुढ़लाडा और नकोदर दे विच साडे जिहड़े सेंटर है तैयार है वह भी असी उन्होंने भी उत्थे भी मान साहब नूं बुलावांगे। इस तरह फरीदकोट मैडिकल कॉलेज दे विच 150 बैड का बच्चा केंद्र जिहड़ा हैगा उह साडा तैयार हो गया ते दो जिहड़े होर आने वाले तुहानूं मान साहब दस्सणगे जिवें मैडिकल कॉलेज कित्थे कित्थे शुरू होण जा रहे आ। सो मैं इन्हां शब्दां दे नाल सर तुहाडा ते सारी संगत दा ते अपने सारे सहयोगियों का सारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हुण मैं बेनती करांगा पंजाब राज दे मुख्यमंत्री मानयोग भगवंत मान जी नूं कि वह मंच ते आण ते अपने विचार साडे नाल सांझे करन। बहुत बहुत धन्यवाद। अज इस मौके ते मेरे नाल मंच ते बैठे मेरे कैबिनेट दे दो साथी तुहाडे हलके तो भारी बहुमत दे नाल जित के विधानसभा च पहुंचे थे। कैबिनेट दे विच मेरे कुलीग अनमोल गगन मान जिन्हां कोल दो तीन बहुत अहम महकमे ने और नाल साडे सेहत मंत्री परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी चमकौर साहब तो MLA डॉक्टर चन्नी साहब डेराबसी तो MLA कुलवंत जी साडी पार्टी दे खरड़ दे रोपड़ दे इस इलाके दे दर्जा बदर्जा अहुदेदार साहबान वलंटियर साहबान पुलिस प्रशासन जिले दे SSP साहब DC साहबा और जिन्नी भी गिनती चाज इस खुशी दे मौके ते तुसी पहुंचे हो तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। चलिआ होइआ इक कदम साडे सिर मत्थे सारिआं नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। जदों 2022 दे विच असीं प्रचार कर रहे सी अरविंद केजरीवाल जी ते बाकी सारी टीम पिंडां पिंडां शहरां शहरां कस्बियां जा जा के लोकां नूं संबोधन हो रहे सी तो उहदे विच दो तीन गरंटियां इहो जिहियां सी जिहड़ियां असीं कहिंदे सी कि आउण सारी पूरियां करांगे सब तो पहले इन्हां वल ध्यान देवांगे। उहदे विच सी सिक्ख्या हैल्थ बिजली रोजगार किसानां दीआं फसलां दे वाजब भा मुआवजे ये चार पांच असी गरंटियां मेन दे रहे सी। एक साल दे विच विच असी 16 मार्च नूं सरकार बनाई 17 मार्च नूं पहलियां फाइलां साइन होनियां शुरू हो गईयां सी क्योंकि टाइम बहुत घट है लेट पहले ही हो गए 70 साल नकमियां सरकारां करके। अज पंजाब दे विच 583 आम आदमी क्लीनिक चल रहे ने जिन्हां च हुण तक 31,19,000
पंजाब दे लोग जिहड़े ने आके दवाई लैके ठीक हो चुके ने जी। 31,19,583 मोहल्ला क्लीनिकां चों, आम आदमी क्लीनिकां चों आउण वाले लगभग 1.5 महीने तक 75 तों 100 आम आदमी क्लीनिक होर तैयार ने। तुसीं घरों बाहर निकलो, रब ना करे कोई बीमारी होवे, तुहाडे खब्बे पासे 100 मीटर जा घर दे सज्जे पासे 100 मीटर ते कोई ना कोई आम आदमी क्लीनिक मिले, तुहानू वड्डे हस्पतालां दीआं लाइनां च लगना ना पवे। उत्थे टैसट भी ने, 41 किस्म दे टैसट ने ब्लड दे, तुहाडा ब्लड लै लैंदे ने, अगले दिन तुहाडी रिपोर्ट तुहाडे फोन ते आ जांदी है। जे तां उत्थे ही सरदा है, 92 किस्म दीआं दवाइयां ने उत्थे, जे तां उत्थे ही सरदा है तां उत्थे दवाई बदलती जाऊगी। जे किते कोई शहर जां वड्डे हस्पताल जाणा पऊगा तां तुहानू लिख के देणगे कि उत्थे जाओ, और सारा कुछ फ्री है, एक भी रुपया नहीं लगता किसी का। यह गरंटी असी पूरी की थी। फिर बिजली पर आ जाने, 1 जुलाई तो बिजली के बिल फ्री करते, 300 यूनिट 1 महीने का, 2 महीने का बिल आता 600 यूनिट हो गया। किसी को यकीन नहीं सी, विरोधी पार्टियां को यकीन नहीं सी, मुल्क दे विच कई सरकारां नूं यकीन नहीं कि किवें हो गया। इत्थों तक के साडे भी कई जिहड़े वलंटियर सी कहिंदे हो जाऊगा जी, असीं क्या करांगे। ते अज तुसीं दस दो, 88% घरां नूं बिजली दा बिल जीरो आउंदा है, गर्मी होवे सर्दी होवे। और बिजली आउंदी भी है, इह वी नहीं हैगा बिजली कट के बिजली दा बिल जीरो आउंदा है, बिजली आउंदी भी है। जे नीयत साफ होवे सब कुछ ठीक हो सकदा है। बिजली की गरंटी पूरी, हेल्थ की गरंटी पूरी, क्योंकि गरंटी पूरी मतलब शुरू करता काम। यह 35वां जच्चा बच्चा केंद्र है, 45 करने ने 35वें, हजे साल होया जी साल। पहला असी खबरां सुनते सी, इंसानियत की रूह कंब जाती सी कि बस स्टैंड ते बेबी का जन्म हो गया, जस हस्पताल पहुंचने तो पहले ही मां की डैथ हो गई, जब बच्चा बच नहीं सकिया। वो तां सी क्योंकि दूर दराडे जाना पैंदा सी, हस्पताल इत्थे भी हैगा, पहलां उत्थे हुंदा सी डिलीवरी जिहड़ी हुंदी सी बच्चों की, पर असीं अलग तो बनाउण लगे हुए हां। इत्थे सिर्फ ते सिर्फ बच्चों के जन्म, मां ते बेबी की सांभ संभाल नाल संबंधित सारा इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीन इत्थे लाइया ने, ताकि मां जिहड़ी है उन्हूं भी पता होवे जो दुनिया के विच बेबी आया वो उहदी केयर जिहड़ी है वो हो रही है। ये बहुत जरूरी है। पहला तो किस्मत ही छड्डे हुए सी, लावारिस छड्डे हुए सी, किसी नूं कोई पता नहीं सी। सो 35वां इह अगे तैयार ने, बुढ़लाडे तैयार है, नकोदर तैयार है, मुंडेरा बस्सी वाले MLA साहब कह रहे साडे भी तैयार है, ये बनते रहेंगे। स्कूलों ते आ जाने, रिजल्ट आया स्कूलों के, 5वीं चों 3 बच्चियां फस्ट आईया ने बुढ़लाडे दे एक सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल दियां। 5वीं चों बच्चियां, 2 बच्चियां फस्ट आईया ने, नंबर किन्ने आए ने 600 चों 600। 8वीं चों बच्चे फस्ट आए, बच्चियां आईया ने 10वीं चों। सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड सुधर रहा है, ते असी भी उन्हां दा हौसला वधाउण लई पहले 3 ते जिहड़े आउणगे उन्हां नूं 51,000 दे चैक दिंदे आ जी नाल ही, ताकि वह बच्चों च हौसला बनया रहे कि अगली बार 51,000 मैं जितू, कंपीटिशन हो जाता इहदे नाल, पढ़दे ने फिर। इदू पहलां पता ही नहीं सी कौन फस्ट आ गया कौन सैकेंड आ गया, आपदे परिवारां दे रोने धोने नहीं मुकदे सी उन्हां तों भी, कौन किन्ना खा गया कौन किन्ना खा गया, वह वध खा गया वह घट खा गया, ये रिकॉर्ड तोड़ते सी आपस च। 2 लाख दे, 2.25 लाख तो 2 लाख के करीब, क्योंकि एडमिशन चल रही ने हजे, 2.25 लाख तो 2 लाख के करीब नर्सरी तो लैके 12वीं तक सरकारी स्कूलों च बच्चों की गिनती बधूगी, इस बार पिछली बार नालों बधूगी,
प्राइवेट स्कूलों चो भी हट के लोग अपने बच्चों सरकारियां च पाउण लग गए, विश्वास बन गया, विश्वास बन गया भी इत्थे भी पढ़ाई हो सकती है। असी क्यों फीसां भरीए महंगीआं? साडे प्रिंसीपल जिहड़े ने असी उन्हां नूं भेजा सिंगापुर, दो टूर हो गए, अगे फिनलैंड भेजण लगे हां ताकि दुनिया भर की जिहड़ी पढ़ाई चल रही है इस वक्त उहदे हानी हो सकीए। एवें कल्लियां गाइडां ते निशानियां लवाउण नूं पढ़ाई नहीं कहिंदे, बच्चों का परसनैलिटी डिवेलपमेंट भी होवे। तो सिक्ख्या ते लगे हुए हां, 15 अगस्त तक 15 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल देंगे 15 अगस्त तक। इन्ने टैलेंटेड बच्चे आ रहे ने, इन्नी इन्ना रब ने उन्होंने हुनर दिता है, तुम हैरान रह जाओगे। पहला वह हुनर इस करके मारा जाता सी क्योंकि पूछता नहीं सी, मौका नहीं मिलता सी। रनवे मिल जे बच्चे साढ़े जहाज ने वो आप ही उड़ लैणगे, इंजन बहुत तगड़े ने उन्होंने हुनर वाले। असीं उन्होंने मौका दे रहे हैं कि पढ़ो, जिन्हें खेडों वल जाना खेडों वल जाओ, जिन्हें डाक्टरी करनी है डाक्टरी वल जाओ, जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है इंजीनियरिंग वल जाओ। बच्चों ते थप्पदे नहीं हैगे कि तू आही बनना बस आही बनना, उहदा नहीं मन हुंदा कई बार। रोजगार गरंटी सी 29,237 बंदियां नूं नियुक्ति पत्र वंड चुके हैं, तो वह अपने अपने दफ्तर कुर्सियां ते बैठे काम कर रहे हैं। वंड तो होर भी देऊंगा मैं, कल नूं कर लेना फंक्शन 15,000 होर जे आपां इन्हां वांगू काम करना होवे, दूजियां पार्टियां वांगू नहीं। पर कोर्ट दियां बहुत सारियां अड़चणां ने, असीं पहलां हाई कोर्ट चों क्लीयर करदे हां कि कोई जे इन्हां नूं आपां नौकरी दे दईए, इन्हां नूं किसे नूं कचहरी च तां नहीं जाणा पऊगा। जिन्ने जिन्ने कोर्ट वल्लों क्लीयर होई जांदे आ उन्ने उन्ने नूं असीं नियुक्ति पत्र दे जाने, इस करके कदे 511 कदे 622 ऐदा दिने, क्योंकि वह जो नियुक्ति पत्र मिल जाए आपके दफ्तर जान ना कि किसी वकील के चक्कर कट्टन कि साड़ी रिट पै गई सानू फेर बचाओ, वह की फायदा होया फिर आपदे गलों ला के उन्होंने गल पाने वाली गल है। तो आने वाले दिनों होर बहुत वड्डियां वड्डियां खुशखबरियां जिहड़ियां ने रोजगार के मामले थोनों मिलनगियां, दिन रात फाइलों च लगे हुए हैं। कोई भी पंजाब दे विच एहजा हस्पताल नहीं होगा जिथे डाक्टरां दी कमी होवे, कोई भी स्कूल नहीं होगा जिथे मास्टरां दी कमी होवे, कोई स्कूल हैडमास्टर तो बिना नहीं होगा, कोई सीनियर सैकेंडरी स्कूल प्रिंसीपल तो बिना नहीं होगा, कोई जिहड़े जिले दे हस्पताल ने वह SMO जां CMO तो बिना नहीं होगा। इत्थों तक कि कोई भी अफसर पंजाब दे विच जिहड़ा तनखाह लैंदा है उहनूं भावें चंडीगढ़ ड्यूटी मिले, भावें किसी फाजिलका मिले, भावें कितने तरन तारण मिले, उन्होंने ड्यूटी मिलेगी कोई भी तहसील SDM तो तहसीलदार तो या पटवारी तो बिना नहीं होगी। भर्ती करांगे क्योंकि ज्यों ज्यों असीं भर्तियां करांगे नौकरियां मिलनगियां तो लोगों को सौखा हो जाऊगा काम। हुण कई जगह पर पटवारी तीन तीन जगह पर जाते हैं, सोमवार से मंगलवार उधर जाना है, बुधवार से वीरवार इधर आना है, शुक्रवार को उधर जाना है, तो वो काम ही नहीं हो रहा। तो नवे मुंडे को काम देइए आप। मिल्क फैट जी है उन्हों असी बहुत उच्चा चक रहे हैं, वेरका साडा दुध है साथों ही लैके एक प्राइवेट कंपनी सानू ही बेच जाती है, की गल जी? असी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरकारी सीगा उहदे वल कोई ध्यान नहीं दिंदा सी, सरकारी उन्हें तो ऐ रखते सी भी उन्हें तो फरा धर दो बस। इन्होंने की किया पहला सरकारा ने, इन्होंने मार्केट बना के दी, गल नूं समझो जरा हुण थोड़ा जिहा गौर नाल, इन्होंने मार्केट बना के दी प्राइवेट वालों नूं। मार्केट किवें बना के दी? प्राइवेट स्कूलों वाले कहिंदे भी असीं स्कूल खोलने ने, फीसां रखणियां ने महंगियां, वह कहिंदे साडा फिर हिस्सा, कहिंदी इन्ना, पर कहिंदे ऐ आउणे नहीं, वह कहिंदे कोई गल नहीं आउणे किवें नहीं, असीं सरकारी स्कूल ही खत्म कर दिंदे आ, सरकारी स्कूलों तो यकीन ही उठा दें। लोग कहे यार असी तो आपकी जून कढ ली, जवाक नूं पढ़ा लीए जिवें मर्जी, चलो प्राइवेट चला दें। उन्होंने प्राइवेट वाले लई एक मार्केट बना के रखती भी जाणगे कित्थे, ये पढ़ाउणे आ पढ़ाओ नहीं अनपढ़ रखो, नहीं तो इधर पढ़ाओ, शीशे वाले स्कूल खोलते, उत्थे फीस माफी की अर्जी है नहीं क्योंकि पहले ही पढ़ा लेंगे 2 लाख, तो असी इत्थे फीस माफी की अर्जी लिखी जाने सरकारी स्कूलों
ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਰ ਫੀਸ ਭਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂਗਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਗਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਆਹ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 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 ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ 1 ਮਿੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੜਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਢੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਹ ਬੱਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕੱਠ ਜਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਭੋਲੇ ਦੀ ਲਿਆਓ ਕਰਾਓ ਗੱਲ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 700 ਕਮਾਉਣਾ 500 ਤੁਹਾਡਾ 200 ਮੇਰਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਜਲੰਧਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੋ ਊੜਾ ਆੜਾ 35 ਇਕੱਠੀ ਕੀਠੀ ਅਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਹੀ ਪੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਲੂੰਬੜ ਗਿੱਦੜ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੇਰ 3.5 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਉਠਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਵਰਗਾ ਉਹ
ना उन्हों कोई खोले ना समावे आई तो गांह दी गांह पे जी जान दे रहे हैं। कांग्रेस ने खोल लिया हूं लिफाफे च नहीं पैंदा। वो बोल रहा सी जी बड़े 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 स्कूलों च पढ़े हुए ने जी अच्छा तो सरकारी वाले वो की बोल रहा सी। मैं तो फिर जवाब इदा ही दूं उन्हां दी भाषा च। वो की कहिंदा सी भगवंत मान ने बदला लिया सी सवा साल हो गया। भगवंत मान ना की बदला लिया है सिर्फ पत्नी बदली है आ कहा सी ना। तो मैं सिद्धू साहब नूं याद करवाना चाहुंदा याददाश्त कमजोर होनी तुसी भी दूजी पत्नी दी बेटे हो। जे तुहाडा बापू थोड़े घरे बदलाव ना लिया तुसी दुनिया ते नहीं आउणा सी। आ जाओ और जिन्हों जिन्हों सुना रहा सी जिदे नाल हमदर्दी करन गया सी वो बैठा सी हमदर्द उहदे बापू दे भी दो ने आपदी स्टैनो नाल ही व्याह करा लिया सी। चलो आ जाओ फिर जे इस पिच ते खेडना इस पिच ते आ जाने आ। ये कोई गल्लां मुद्दे ने जी कहिंदे कि पता नहीं यार उत्थे किहो जिहा मटीरियल आ गया जिहड़े पिंडां दे सरपंच नहीं बन सकदे वो आ गए। भाई लोगों ने भेजे आ साडा की कसूर है जे तुसीं हराते। कहिंदे हरेक महीने च दो दो इन्हां दे विआह हुंदे ने। वो भाई साडे मुंडे कुड़ियां 26-26 27-27 28-28 साल दे जंग मुंडे कुड़ियां जताते विआह होणगे भाई नाले जदों सत्ता च आ गए अल्ला कहिंदा चलो विआह कर लीए। हुण जे राहुल गांधी दा नहीं हुंदा साडा की कसूर है च। मैं कहना सी कानू कानू ये डूमने च डला मार लेंदे हर हफ्ते। सो कृपा करके इन्हां दीआं गल्लां ना करो। इन्हां कोले मुद्दा कोई है नहीं और मैं जदों जवाब देना उहदा जवाब हुण इहनूं भी चलाउणगे देखो तुसीं। अज बैठे होणगे 8 बजे इस तरह मुख्यमंत्री नूं नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तुसीं बोल सकदे हो। मैनूं कहिंदे विधानसभा च मैनू कहिंदे जी के हरेक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री नूं नहीं देना चाहिए। मैं कहा जी की गल कहिंदे जिहड़े पहलां वाले मुख्यमंत्री सी वह ऐ जवाब नहीं देंदे सी। मैं कहा इस करके तो पहलां वाले ने हुण वाले क्यों नहीं हैगे। मेरे कोल जवाब ने मैं किसी गल्लों काणा नहीं हैगा इस करके मैं जवाब दिना। आओ मेरे नाल तुसीं हिसाब करो जो पंजाब का पैसा तुसीं लुट्टिया जो तुसी खजाना लुट्टिया जो पंजाबियों दी जिंदगियां बर्बाद कीतियां आओ साफ करिए आपां बैठो तुसी मेरे कोले इकट्ठे हो आ जाओ। मेरे मूहरे तो खड़ते नहीं उदों जदों विधानसभा चलती है कांग्रेस तो मता ही पा लैंदे जदों भगवंत मान आ गया असीं चले जावांगे। मैं चले जाओ मैं कहना बह जाओ गल कर लैंदे आ ना गल करन जोगे है ही नहीं। सो साडे एमएलएआं ते इह कहना कि पता नहीं कित्थों जित के आ गया इत्थों ही जित के आए आ। तुसी आपदे वाले मटीरियल का फिक्र करो। सो इस करके मैं कहना कि तुसी मैनू मेरी आलोचना करो कोई गल नहीं मेरे नाल मुद्दियां ते गल करो भी आ फैसला लेके तू नुकसान करता। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले मामले च मैं सीधा जवाब दिता है कि असी नहीं जी हरियाणे दा किसी कॉलेज का हिस्सा पवाना साडी आपदी यूनिवर्सिटी है। तुसी पहला हिस्सा 70 च कढ लिया तुसी आपदियां होर यूनिवर्सिटियां बना लो। तो उस दे विच ही बादल साहब की 2008 की चिट्ठी आ गई कहिंदे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना लो। तो हुण चीमा कहिंदा फिरदा कहिंदा बादल साहब ने चिट्ठी तो लिखी सी। बादल साहब नूं जदों पता लग्गिया वी तां सेंटर लै जू फिर बादल साहब ने चिट्ठी क्योंकि बहुत सियाने सी उह इन्नी सियाणप वरती उन्होंने कि उन्हें चिट्ठी दे विच शर्तां बहुत लिखतियां भी केंद्र मन्ने ही ना। मैं कहिंदा इन्नी सियाने सी चिट्ठी क्यों लिखी सी शर्तां लिखण दी बजाय चिट्ठी ना लिखदे मेरे वांगू जवाब दे देंदे टोक के भी मैं ऐसे ही नहीं कर सकते। इन्हां दीआं निकल रही ने चिट्ठियां हुण इन्हां दे सारे चिट्ठे निकलणगे हुण। मैं तो कली कली गल जनते करूंगा मैं तो लोगों मूहरे दसूंगा। मैं पहला कैसटा सीडिया च भी दसदा रहा इत्थे भी दसूंगा जिथे मर्जी जलंधर कट्ठे हो जाओ अमृतसर कट्ठे हो जाओ मोहाली कट्ठे हो जाओ जिथे मर्जी कट्ठे हाला रेंदे नहीं कट्ठे उदे कड़ा कट्ठे सी मूँह तो आए थे कदा इधर नूं कदा इधर नूं जिहदे वास्ते गए से उन्हें तो ऐं दब रखे बेचारे।
सो यह अपने बुझे हुए चुल्ले राजनीति दे भ्रिष्टाचार वाले चुल्ले इन्हां दे क्योंकि बुझ गए इस करके वह उहदे च दुबारे अग मचाउण नूं फिरदे ने। जे मैं गलत होवां तो पंजाब दे लोक मैनूं सजा दे देणगे 2024 च दे देणगे, लोक सभा च 2027 च दे देणगे। तुसीं वी लोकां कोल जाइओ आपदे प्रोग्राम लैके, मैं भी जाऊंगा। जलंधर की होया, यही कहिंदे सी ना 1.5 लाख ते जित्तांगे, किधर गए 1.5 लाख आए? रोज इकट्ठे होके मैनू गालां कढ़न लग जांदे, रोज इकट्ठे होके। वह फिर मैं लिखता सारा, क्योंकि परमात्मा ने कुदरत ने थोड़ा बहुत मैनू कला दित्ती हुई है लिखण वाली। मैं लिखता भी जदों जनरल डायरां नू रोटियां खवाउण वाले, जदों गुरु साहब जी दीआं बेअदबियां कराउण वाले, जदों धर्म दे नां ते वंडियां पाउण वाले, जदों देश नू धर्म दे नां ते लड़ाउण वाले, जदों गल गल ते ताली ठुकवाउण वाले, जदों समगलरां नू अपनियां गड्डियां च बिठाउण वाले, जदों किसान विरोधी कानून बनाउण वाले इक्को थां ते हो जाण इकट्ठे, उहनू कहिंदे आ इक्को थाली दे चट्टे वट्टे। और मैं थोनू यह दसना चाहुंदा, रहना है ना उस थाली च भी नहीं, उस थाली च भी लत्तां खिंचदे आ ना। ये डड्डुआं दी पसेरी आ, कदे 5 किलो कट्ठे नहीं हो सकते, दो तरोंगे 3 छाल मार जाएंगे। इन्हां दी आपदे, इन्हां दी लड़ाई पंजाब दी नहीं हैगी, इन्हां दी लड़ाई कुर्सी दी है। मैनू क्यों नहीं मिली, इहनू क्यों मिल गई, महिंद्र माठ दा मुंडा क्यों पै गया? बाजवा साहब कई सालों तो तरफी जांदे आ वी मुख्यमंत्री ऐ नेड़े जाके उन्हां नू मोड़ लिआउंदे आ, आपां सिद्धे बह गए। उह कहिंदे यार ऐं किवें बह गए? सो बाजवा साहब फिर इह कहिंदे वी इहो जिहा मटीरियल आ गया कि मेरे साडे मूहरे एक मोबाइल चार्ज करन वाला आ गया। कहिंदे मैं कहा जी कल मोबाइल चार्ज नहीं, दिमाग भी रिपेयर करूगा, वो देखते जाओ तुसीं। चन्नी साहब नूं पुछ लिओ मोबाइल चार्ज करन वाला किन्ना क महंगा पैंदा है। इसे तरह मैनू कहिंदे सी 2014 च, सुखदेव सिंह ढींडसा 2014 च मैनू कहिंदे सी, कहिंदे भगवंत मान दी मैं अज फोटो देखी वोटां वाली, मैनू फोटो देख के बहुत हासा आया। ले ये भी वोटां च खड़ा हो गया। मैं कोई गल नहीं ढींडसा साहब, 15 दिन रह गए, हस लो मेरी फोटो देख के, जिन्ना हसना है वो तो बाद सारा टब्बर सारी उम्र मेरी फोटो देख के रोया करोगे। मेरे 32 दंद ने हो गया ना कम, ठीक है ना। सो अपने को सारे हिसाब ने, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम थले वाला कम सामभ लियो भी पोस्टर कितने लाने ने, रोड शो कितों की लंघना है, तो कि सड़क टुटिया हुई ने, किहड़ा टोल प्लाजा बंद होने वाला है, किहड़ा गलत काम कर रहा है, कित्थे रिश्वत चल रही है, यह काम मैनूं दस दिया करो। तहां वालिआं दी फिक्र ना करो, मैं कल्ले नूं सारिआं वाली कबड्डी पाई हुई है, इन्हां नूं मैं आउण नहीं दिंदा इन्हां नूं, ठीक है ना। सो बिना रिश्वत तों, बिना किसे भेदभाव तों नौकरियां दिंदे आ। दिल च जान तां रब नूं देनी है, इक दिन देनी है, दिल च कोई छल कपट नहीं, एको ही तमन्ना है। बजुर्ग बैठे है मेरे, मेरे दादे की उम्र के भी बैठे है, मेरे नाने की उम्र के बैठे है, मेरे ताए की उम्र के बैठे है, जाना दुनिया तो सारे नहीं है, पर मैं थोनू इत्थे अज खरड़ दे विच एक वादा करके जाना कि जे लोगों का साथ रहा, परमात्मा समत बख्शे, उन्हां बजुर्गों दीआं अक्खां मीचण तो पहला उन्हां अक्खां नूं यह दिखा दूंगा कि साडा पंजाब ते साडा परिवार पटड़ी ते चढ़ गया सी। सो इस करके जिहड़े तुहाडे आपदे पल्ले पवाए हुए तेल मोटरसाइकलां मेरे गड्डी दे मूहरे लाउणियां, मैनूं कल्ली कल्ली याद है, कल्ली कल्ली याद है। हर एक मेहनती वलंटियर का मुल पऊगा, लभ लभ के लिआउने आ। सुल्तानपुर लोधी का मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया जिहड़ा उसे मार्केट कमेटी के गेट से सब्जी की रेहड़ी लाउंदा सी, ऐ लभ लिआउंदी आ पार्टी। इन्हां दे होजू ऐ 50-60 साल दे नूं रोल खोल के टिकट मिलती है, 70-80 साल दे नूं किते थोड़ा बहुत किते कोई जित जुत च मिलती है, 85-90 साल दे होके सरकार दे खर्चे ते गोडे बदला लैंदे ने। ताइयों कहिंदे ने, जे हुण मैं ये कहां, ये कहिंदे वी इहनां दा आम आदमी पार्टी वालिआं दा यार
महीने च एक दो ब्याह होंदे रहिंदे ने। जे मैं इन्हां पार्टियां नूं कहां वी थोड़े वी महीने च एक दो भोग आउंदे रहिंदे ने, फिर मैं कि गल ठीक करांगे? सही गल हो जूगी फिर? यार उम्र दे तकाजे ने, ये कोई मुद्दा है? इहदे नाल पंजाब, इहदे नाल पंजाबियां दे चुल्हे ते कोई फर्क पैंदा है? लोग कहिंदे साडे मुंडे नूं नौकरी मिल जू, अज हथ ने साडे घरे रोटी पक जू, नरेगा वाले कहिंदे दिहाड़ी मिल जू पूरी, मजदूर कहिंदे सानू मजदूरी मिल जू, दुकानदार कहिंदा मेरी दुकान दा व्यापार मेरा बच जू, व्यापारी कहिंदा मेरी फैक्ट्री दे चार होर मैं यूनिट लाउणे सी उह बिना पैसे तो लग जाणगे, नौजवान कहिंदा मैनू इत्थे ही डिग्री करके इत्थे ही नौकरी मिल जू, मामा रोज खंड दही पा के खुआ के भेज दिया धियां पुत्तां पुत्त नौकरियां लिया, उन्हां मामां दियां दुआवां असीसां देखो, आही फर्क है बस। ये आ जिहड़े जिहड़े मुद्दे उठाउंदे ने इहदा कोई लोकां नाल संबंध है? हथ खड़े करके दसो इहदा कोई है? फिर की बोली जांदे ने यार, चंगे भले बड़े बड़े स्कूलां च पढ़े ने, तू तड़क तो बिना गल नहीं करते, साढ़े तो घर सामने तो यही दस्या आप तो छोटे नू तू तू कह लो बराबर दे नू तुसी बड़े नू आप जी, इन्हों दे सारा कुछ यू अंग्रेजी वाला, तू ओए तू आए ओए भाषा है, भाषा है कोई? लोग गुस्सा करते इस गल का। सो इस करके मैं कहना इन्हों को कख नहीं है हूं, ये बस डुबदे तिनके का सहारा कोई मंगते ने, नहीं हो सकता नाले कोई। मैनू ये समझ नहीं आती, असी तक सरकारी बिल्डिंग बनी है जंगे आजादी की, वो जांच करा रहे हैं, उस प्रेस कितों आ गई बी, अखबार कितों आ गया, उस एक बिल्डिंग की जांच करवानी, उत्थे सारे इकट्ठे हो गए, हाँ जी आए आए तो इकट्ठे हो गए, एक अपने मूहरे तक किमें चलता से उन्होंने काम, वो तू काला माला तू साला वो तू लंबू ए विधानसभा च लड़ाई होगी मैं तेन देख लू, उदवा कहना चल आ जा हूं उठ जफ्फी पाईए गां मूहरों, वह भी बेशर्म सी कपड़े झाड़ के वह भी आ गया, कारण की सी कन च की कहा, कहना हूं दोनों हार गए जफ्फी पा लो बस बहुत है, एक बटन ना दोनों हराए ने जीवनजोत कौर ने, एक बटन दबिया दो मांजे गए ने। सो यह फर्क है, मैं तो मैं किस दे सहारे जाना, पैसे पुसे की मैं लोड़ नहीं हैगी, मैं तो थोड़े प्यार की जी करंसी है ना वह कोई मुल्य है नहीं दुनिया च, जिथे जाने फुलों पगां भर जाए रोज, फुलों गड्डी भरती है रोज, कई कई जगह पर गड्डी खड़ा के फुलों जगह बनानी पैंती है बैठन, एक पास तो प्यार है, मामा सिर पड़ोस दिया ने पुत ज्यौदा रहा, भैं दुआव देंदिया ने, मुंडे खुंडे मोढ़े तो हाथ धर के सैल्फियां करवाते हैं, एक पास तो प्यार है, दूजे पास वो ने अकाली कांग्रसी बीजेपी वाले उन्होंने एक बार हाथ मिला के बाद च उंगलियां गिणनिया पैदा ने पूरिया ने, जो लै गए कदी हुए इन्होंने इन्हों की दोस्ती उत्ते भी रब बचावे यार। सो एक बार दोनों हाथ उपर करके दो नारे ला दियो, इनकलाब इनकलाब। सो अज इस मौके पर मैं बहुत बहुत सारी बधाई देना एक बार फिर, और इस तरह के जड़े उद्घाटन ने वो होंदे रहेंगे, पंजाब इदां तरक्की करता रहेगा और रंगला पंजाब बना के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी प्यार सत्कार नाल सुनिया, जिउंदे वसदे रहो, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद सर। हुण मैं बेनती करांगा श्री विवेक प्रताप जी नूं कि वह मंच ते आण, वह मुख्यमंत्री जी अते होर कैबिनेट साथियों का धन्यवाद करन। श्री विवेक प्रताप जी, बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री जी श्री भगवंत मान जी, बहुत ही सत्कारयोग सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग मंत्री साहिबा अनमोल गगन मान जी, जिले के MLA साहिबान डॉक्टर चरणजीत सिंह अते कुलजीत सिंह रंधावा जी, ते चेयरमैन साहिबा डॉक्टर प्रभजोत कौर जी, इत्थे मौजूद डायरेक्टर हैल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर अते जिले के सीनियर डॉक्टर साहिबान, जिले के डिप्टी कमिश्नर अते जिले के सीनियर अधिकारी, अते इत्थे मौजूद बहुत ही सन्मानयोग इलाका निवासी, ते सब तो पहला मैं आप सारिया के बिहाफ से सेहत विभाग के बिहाफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहवांगा जिन्होंने आज इस सेंटर नू शुरू किया है, ते नाल ही सारे इलाका निवासियों नू मेरी तरफों बहुत बहुत बधाई, तुहाडे इलाके दे विच ये केंद्र
एक सेहत सुविधावां नूं काफ़ी वधाएगा। तो मैनूं पूरी उम्मीद है इस नाल जनता का सारिआं दा जिहड़ा सरकार दा सैटिस्फैक्शन है वह भी इंपरूव होगा। सर आप जी की अगवाई हेठ अते डॉक्टर बलबीर सिंह जी की कमान हेठ सेहत विभाग लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैनूं पूरी उम्मीद है सर इस साल के खत्म होने तो पहला पहला असी सेहत सुविधावां नूं काफ़ी ज़्यादा इंपरूव कर देंगे। सर प्राइमरी सेवावां सारे पंजाब दे विच आम आदमी क्लीनिक आउण नाल काफ़ी ज़्यादा सुधारना दे विच होया है। तो इस साल साडा टारगेट है कि जिन्हें वड्डे हस्पताल हैं उन्हां दे विच भी सारिआं नूं रिनोवेट किया जाए। ये लंबा प्रोजेक्ट है, दो साल तीन साल तकरीबन लगनगे, पर सारा टारगेट ये है घट तो घट सर 30-40 वड्डे हस्पतालों विच इस साल काम शुरू किया जाएगा। तो मैं सर विभाग की तरफों विभाग के अधिकारियों की तरफों तो अपनी तरफों आपनों विश्वास दिवाना चाहता तो सारे निवासियों भी विश्वास दिवाना चाहता कि इतने होर ज़्यादा इंपरूव करांगे। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस दे नाल ही अज